हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रूट के बारे में। रूट क्या होता है और ये इसकी क्या नुकसान है और क्या इसके फ़ायदे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रूट का असली मीनिंग होता है जड़। तो अगर आप अपने मोबाइल को रूट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने मोबाइल की जड़ तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल को रूट कर लेते हैं तो इसका मतलब आप अपने मोबाइल को बिल्कुल जान चुके हैं। बिल्कुल आप जो चाहेंगे वो आपका फ़ोन कर देगा, बिना कोई सिक्योरिटी रीज़न के या बिना कोई परमिशन ग्रांट के। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ मोबाइल को रूट करने के फ़ायदे और नुकसान की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नुकसान। तो सबसे पहला नुकसान जो आता है वो आपके मोबाइल वारंटी के ऊपर आता है। जैसे ही आप अपने मोबाइल को रूट कर लेते हैं तो आप अपने मोबाइल की वारंटी खो देते हैं। कुछ ब्रांड हैं जो इसको एक्सेप्ट भी करते हैं और कुछ ब्रांड हैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप रूट आपने मोबाइल कर लिया है तो अब आपकी जिम्मेवारी है इसको संभालने की। तो देखिए दोस्तों, पहला नुकसान तो ये है। दूसरा नुकसान ये है, अगर आप रूट कर रहे होते हैं तो अगर उसमें कोई स्टेप आप मिस कर गए तो इसकी वजह से आपका जो है मोबाइल आपका बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल भी उसकी वैल्यू नहीं होगी। कोई भी आपका स्टेप हो, चाहे वो आपकी लिस्ट में, मतलब कोई भी आप जिप होती है जैसे, या आप कोई भी स्टेप मिस कर गए तो आपका मोबाइल बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी उसकी। कभी कभी ये मतलब ठीक भी हो जाता है और कभी ये ठीक भी नहीं होता है इसके बाद। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप नए यूज़र हैं या आपको मोबाइल अभी अभी, मतलब आप मोबाइल को जानने लगे हैं, तो आपको अगर आपका फ़ोन रूट आपने किया है तो आप उसको इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसको, मतलब इस्तेमाल करने के लिए, और तब तक शायद आपका मोबाइल ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो थे मोबाइल लूट करने के नुकसान। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। और दोस्तों, मान लीजिए आपने अपना मोबाइल रूट कर लिया है तो इसका मतलब आपके मोबाइल का जो कंट्रोल है वो आपके हाथों में है। अब आप उससे जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, आप अपने मोबाइल की रैम बढ़ा सकते हैं, इंटरनल मेमोरी आपकी जो होती है वो बढ़ा सकते हैं। और जैसे दोस्तों, आपका मोबाइल सैमसंग का है तो आप उसमें जो सैमसंग के ऐप्स होते हैं वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वो मतलब उसकी कोई परमिशन, मतलब चाहे हो चाहे ना हो, आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, और भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आप बिना रूट के अपने मोबाइल में कर नहीं सकते। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में यही सब था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।